वेलकम टू न्यू ब्लॉग गाइस। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया कि हम लोग देवघर आ गए हैं और अब हम निकल रहे हैं बैद्यनाथ धाम टेम्पल, जहाँ से हम लोग दर्शन करेंगे। और क्या एक्सपीरियंस होता है, कैसे दर्शन करना है, क्या क्या चीज़ें होता है, वो चल के देखते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी चलिए, कितना टाइम हो रहा है? 8:20 हो रहा है मॉर्निंग का, और अभी चलते हैं। कितना टाइम लगता हमें, क्या क्या कठिनाई होती है, बहुत सारी चीज़ें हम चल के एक्सपीरियंस, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो चल के देखते हैं। चलिए, हमारा ग्रुप, हम लोग सब जा रहे हैं। ये रहा दोस्तों टावर चौक, और यहाँ से टेंपल 1.2 किलोमीटर है। मंदिर का गेट ये रहा, यहाँ से हम अंदर दर्शन नहीं कर सकते, हमें धोबी घाट जाना होगा और वहाँ से लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। तो पहले हम वहाँ चलते धोबी घाट, जहाँ से हमें लाइन लगानी है बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए। आ गए हम लोग धोबी घाट, और यहां से हम लोग करेंगे एंट्री। एंट्री गेट हमने एंट्री कर दिया है, और ये 20 रुपए या 30 रुपए का जो भी वो लिया हमने गंगा जल, और चल रहे हैं इधर लाइन लगा के दर्शन के लिए। फ्लाईओवर है जी, यहाँ पे रोड है, और यहाँ पे इधर से आप आ सकते हो, और इधर संभाल के चलने का, जगह जगह पे नल लगा वहाँ धुलने के लिए। मॉर्निंग का 9:30 बज रहा है और हम अभी लाइन में हैं। ये जो सामने दिख रहा है यही बाबा बैद्यनाथ धाम का टेंपल है, और जो साइड में दिख रहा है वो पार्वती जी का टेंपल है। 3.5 घंटों से हम लोग लाइन में हैं, और थोड़ा देर में हमारा नंबर आने वाला है। तो गाइज, हमने घूम लिया है बाबा बैद्यनाथ धाम का टेम्पल, और एक्चुअली मैं वहाँ पे कैमरा अंदर मंदिर के अंदर ले जाना अलाउड नहीं था। जब मैं अंदर घुसा, मेरे ऊपर कई लोग कूद गए, तो हमें लगभग 4 घंटे लगे दर्शन करने में। तो गाइज, किसी तरह का भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं सबका आंसर दे दूँगा। और आपको वीडियो कैसा लगा आप मेरे को बताएं, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।